रविवार को विधानसभा की ओर से दो दिन के विशेष सत्र की सूचना जारी की गई। विधानसभा सूत्रों के मुताबिक शनिवार को दिल्ली सरकार की ओर से दो दिनों के सत्र के लिए फाइल भेजी गई थी। विधानसभा से जारी नोट के मुताबिक ये नया सत्र नहीं होगा, ये पिछले सत्र का ही हिस्सा है। सत्र के एजेंडे की बात करें तो इसका खुलासा भी नहीं किया गया है, यहाँ तक कि विधायकों को भी नहीं पता कि सत्र क्यों बुलाया गया है। नहीं, हमें तो कल छुट्टी वाले दिन ये नोटिस मिला है, अभी वो भी फ़ोन के ऊपर, व्हाट्सएप के रूप में। अभी हार्ड कॉपी नोटिस की किसी को रिसीव हुई नहीं है, और उसमें लिखा है कि 28 और 29 तारीख का दो दिन का सत्र है, और 280 में उसमें क्वेश्चन लग सकते हैं, लेकिन उसमें कोई जानकारी नहीं दी गई। और दूसरी बात है कि एक जनरल हाउस बुलाना चाहिए जिसमें 5 दिन का 10 दिन का सत्र हो, लोग अपनी बातें रख सकें, MLA अपने सवाल रख सकें, दिल्ली की जनता की डिस्कशन हो सके। अब कई दिन से केजरीवाल जी के पास कोई खबर नहीं बनी होगी, तो सोचते होंगे वैसे TV नहीं बन रही, तो वहां जाके विधानसभा में कोई ना कोई नई बात छोड़ेंगे। शुकुहा। हालांकि पिछले 2 साल में अब तक के विशेष सत्र पर नजर डालें तो ज्यादातर विशेष सत्र में दिल्ली विधानसभा में चर्चा केंद्र सरकार के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आई है। लिहाजा इस बार भी PWD घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच के आदेश, हाल के दिनों में डिप्टी CM और PWD मंत्री सत्येंद्र जैन से CBI की पूछताछ, मुख्यमंत्री दफ्तर में अधिकारियों की कमी, नालों की सफाई को लेकर विधानसभा की कमेटी की रिपोर्ट, दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था के अलावा दिल्ली के युवाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दिए जाने जैसे मसलों पर विधानसभा में चर्चा की उम्मीद जताई जा रही है। दो दिनों के सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा, पर विधायकों को नियम 280 के तहत अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन के पटल पर रखने की छूट होगी। हालांकि इतने शॉर्ट नोटिस पर बुलाए गए सत्र की गंभीरता पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। क्या ये जनरल हाउस है? अगर है तो दो दिन का ही क्यों है? ऐसी कभी कोई जानकारी नहीं है, और मुझे उम्मीद भी नहीं कि वो जानकारी देंगे। हाउस से 1 घंटा पहले बता देंगे जब नोटिस देंगे कि जी आज इसके ऊपर चर्चा करानी है, पता ही नहीं है। मैंने बताया क्योंकि टोटल अनएक्सपीरियंस्ड लोग बैठे हैं वहाँ पर, और इनका मकसद केवल एक ही है कि मीडिया के अंदर खबर बनाने के लिए, अपनी छवि को चमकाने के लिए ये दिल्ली के इस विधानसभा के सत्र को इस्तेमाल करते हैं। वैसे सत्र के औपचारिक नोटिस की बात करें तो विधायकों को अब तक इसकी सूचना नहीं है। शनिवार, रविवार और सोमवार लगातार 3 दिनों की छुट्टी के बाद मंगलवार को ही कार्य दिवस पर विधायकों को इसकी औपचारिक सूचना मिल पाएगी। टोटल न्यूज़ के लिए दिल्ली से विश्वजीत झा की रिपोर्ट।